गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मंडे है पर मैं संडे का व्लॉग नहीं डाल पाई थी तो मैं आज डाल रही हूँ। ये मैच जो था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप, बहुत अमेजिंग मैच था। वो देख रहे थे हम सारे मिलके, मम्मी पापा मैं। फिर जब पाकिस्तान की इनिंग खत्म हुई तो हमने सोचा, क्योंकि नेक्स्ट डे मम्मी पापा की संडे को फ्लाइट थी मॉर्निंग में, तो हमने सोचा उनके लिए कुछ यहाँ का लोकल मिक्सचर ले लेते हैं। तो निपट और रिबन पकौड़ा ये सब लिया था, मैसूर पाक भी ट्राई करा। एक न्यू शॉप है हमारे पास में, मुझे बहुत मीठा लगता है फॉर माई लाइकिंग, तो नहीं लिया था। इंडिया की इनिंग थी और ये लास्ट इंडिया का विनिंग शॉट था जो इन्होंने चौका मारा था और इंडिया उसके बाद जीत गई थी। सो आई थॉट कि ये मैं कैप्चर करूँगी और सबके साथ शेयर करूँगी। इसका शॉट मैंने डाला था, अगर आपने मेरे चैनल पर देखा होगा तो। इट वॉज सच अ विक्टोरियस विन, बहुत मज़ा आया मैच देख के। और इंडिया वर्सेज पाक था तो हु डजंट लव इट, मज़ा तो आना ही था। संडे को क्योंकि पहला नवरात्रा था तो पापा ने बोला मैं तुम्हारा कलश स्थापना और पूरा मंदिर की पूजा करके जाऊँगा, क्योंकि तुम लोग हमें साथ में छोड़ने जा रहे हो तो तुम लोग लेट हो जाओगे, आने में लेट होगा, नहाने में लेट होगा। और सुबह पहले नवरात्रि की पूजा टाइम से होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने पूरा मंदिर सजा दिया था, फूल वूल वो एक दिन पहले पूरा करके आ गए थे। शॉपिंग वॉपिंग कलश स्थापना कर दी थी जो अष्टमी पे खोलना होगा मुझे सैटरडे की। मैं पूजा करूँगी अगले संडे को, अष्टमी होगी। सुबह के 5:15 हो रहे थे तो उन्होंने मेरे घर की पूजा 5:15 बजे तक कर दी थी सुबह। फिर हम निकल गए थे उन लोगों को ड्रॉप करने के लिए, हालांकि वो लोग मना कर रहे थे कि बहुत दूर है एयरपोर्ट बैंगलोर का, एक्चुअली ना आउट ऑफ सिटी लिमिट्स है। 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया, संडे था तो थोड़ा कम ट्रैफिक मिला पर फिर भी टाइम लग गया। तो मैं उनको रास्ते में बताती ही जा रही थी कि ये गोल्फ लिंक्स है जैसे दिल्ली में भी है, तो मैं उनको बता रही थी थोड़ा जितना मुझे पता है। और ये तवगुन की जन्मभूमि है, बैंगलोर बैप्टिस्ट हॉस्पिटल, यहाँ उसका जन्म हुआ था। मैंने तवगुन को बताया, तवगुन आप यहाँ पैदा हुए थे? बट तवगुन तो सो रही थी नानी की गोदी में, उसको हम सोते सोते उठा के ले आए थे। फिर संडे था तो आई गेस उस दिन साइकिलिस्ट और बाइकर्स तो बहुत निकलते हैं, तो रेसिंग बाइक्स थी बड़ी अच्छी अच्छी मैंने इसका भी शॉट डाला था, आपने देखा होगा तो मेरे चैनल में। एंड देवर एट वेरी हाई स्पीड्स एंड देवर गोइंग समवेयर। मैंने तवगुन को बोला, तवगुन नानी जा रही हैं। वो बड़ी सैड हो गई, मतलब बच्चों को ना समझ आने लगता है। तो T2 पे था उनका डिपार्चर। T2 तो है ही एज़ यूजुअल, अभी नया बना है बैंगलोर में, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो मम्मी तो उसको छोड़ना ही नहीं चाह रही थी, अभी कहती जब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगी तब तक तवगुन मेरी गोद में ही रहेगी। और तवगुन को भी रियलाइज़ हो गया था कि ये लोग जा रहे हैं आज, थोड़ा सा बीच बीच में ना सैड हो जा रही थी। लेकिन बच्चों की मेमोरी ऐसी ही होती है, वो लोग को इतना रियलाइज़ नहीं होता, वो लोग भूल जाते हैं। तो वहाँ पर अंदर ना गोलू सेटअप था बहुत अच्छा टर्मिनल 2 पे, मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड करूँगी आप सबके लिए और शेयर करूँगी, बहुत ब्यूटीफुल था। और एज़ यूजुअल एज अ मॉम ऑफ टॉडलर मैंने अपनी बेटी की फ़ोटो भी खींची वहाँ पे, और इसमें बाद में शेयर करूँगी। अभी मम्मी वहाँ पर जा रहे हैं और मेरी मम्मी तो फुल इमोशनल हो जाती है, आई गेस सबकी मम्मियाँ हो जाती हैं। आई गेस माँ ऐसी चीज़ बनाई है भगवान ने जो बच्चों के बहुत ही क्लोज़ होती है और उनके दर्द को फील करती है। जब मेरी तबीयत ख़राब थी मम्मी आई, अच्छे से संभालिया मम्मी पापा ने हमको, अब हम ठीक हो गए तो अपना घर भी तो उन्हें संभालना है, उन्हें जाना ही है। पर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो बहुत रो रही थी। और ठीक है, मैं उनके सामने थोड़ा स्ट्रांग बनने की कोशिश तो कर रही थी, बट ठीक है, माँ को रोता देख के तो आपको भी रोना आ ही जाता है। लगी थी बहुत ज़ोर से भूख, तो हम गए थे भारतीय जलपान, एयरपोर्ट पर ही है, आलू पूरी खाया, प्रॉपर नॉर्थ इंडियन चीला खाया, और बहुत अच्छा खाना था। आलू तो हींग वाले आलू थे, बहुत टेस्टी, नॉर्थ इंडियन स्टाइल एकदम। तब उनको भी बड़े अच्छे लगे, चीला भी बहुत अच्छा था। ये मैंने इसकी पिक्चर क्लिक की थी, नाइट सूट में ही थी बेचारी। फिर मेरा मन हुआ कि मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी, गौरव ने अपनी फिल्टर कॉफ़ी पी। I love you too. और तब उनको मुझे नहीं पता कहाँ से आई लव यू याद आ गया, तो मुझे आई लव यू कर रही थी सुबह सुबह। फिर हम वापस घर की ओर निकल लिए, नाश्ता हो गया था, तो उसके बाद घर जाके मेड भी वेट करी थी, काम भी कराना था, अपने रूटीन वर्क में तो लगना ही पड़ता है, दैट्स हाउ लाइफ इज़। वो अपना घर संभालेंगे, मैं अपना घर संभालूंगी दोबारा से। और घर आके देखा तो एकदम सूना, और मम्मी पापा मेरे लिए कुछ प्लांट्स देके गए थे, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, एक गुलाब था, एक गुड़हेल था और एक क्रिसमस ट्री था। अभी मम्मी ने बोला इनका ध्यान रखना अच्छे से, तो रोज़ पानी देना है इनमें, और तुलसी में संडे को पानी नहीं देना होता है, तो ऐसे इनका ध्यान रखना पड़ेगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, न्यू अपडेट्स आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।